वाला बिरला वाला हाँ जी बिरला वाला हाँ जी बिरला वाला इश्यूज है जो हाइपर पार्टिज़न नफरत की सियासत है वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल, तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कहे कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करे। हमारी नजर में ये मुत्तफाक अमल है, और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। हम अपना काम पे ध्यान दें, हमारे ऊपर जो मैंडेट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिलीवरी का है। और मेरा उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेंगे ताकि हम जो हमारे ऊपर ये बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं हम उस पर अमल दरामद कर सकें। पाकिस्तान के अवाम वफाक के जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये पहली आपने क्लिप देखा सनम जवेद को, दो दिन से रोप कर लेके बैठे हुए थे राणा साहब, इसके अबू जो हैं, उसका खावंद भी एक दिन गया लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, आज गुजरा लेके उस केस में डाल दिया। ये वही सनम जवेद है जिसने आग में लकड़ी को आग लगी हुई पकड़ी हुई थी और उसने लगा दी आग, वहाँ पे पान तोड़ कर दिए कि डंडे से जो लिबर्टी चौक पे, वहाँ से फौरन जनाब अली 3 मिनट में पहुँच गई राहत बेकरी, वहाँ से आधे मिनट में पहुँच गई कोर कमांडर ऑफिस, वहाँ से 3 मिनट में पहुँच गई जनाब अली शादमान, और न जाने कहाँ कहाँ इसने उसी जो 15 मिनट का वाइवा चल रहा था उसी में इसने इतनी तबाही मचा दी। बड़ी हनुमान की बेटी है कि भी शर्म इन जजों को नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट का जो जज ही भौंक रहा था, मेरे पे तो बड़ी गालियाँ पड़ती, इस वजह से गालियाँ पड़ती तेजे, इस वजह से गालियाँ पड़ती। अच्छा जी, वो दूसरी को भी लेगा गुजरा ले। चलो ये सारा उसका शाखसाना है, अभी तक अपनी सोशल मीडिया टीम को समझ नहीं आ रहा। वो जो खो तारक सरदार तारक ने जो दिया था कि ये ज़रूरी नहीं कि जे एक मुकदमे में पकड़ लिया तो दूसरे में नहीं पकड़े, पकड़ो इनको फिर जितनी FIR थे उतनी दफ़ा पकड़ो, ये अभी तक इसके टीम ने मेरे ख्याल दे दिया तो 3 निकल रही अपील, लेकिन पेशावर के थे वो सारे न जाने वो क्या भंग पी के सोता हुआ अपनी समझ से बाहर। कोई मीडिया अपनी टीम सही करें जो जजों को पकड़काएं, अब इनसे उम्मीद ना रखो जो आज काजी ने कर दिया। दूसरा वो उसने कहना था मकाफात है तो मतफात मतफात मतफात, चलो उसकी ना माँ की ये लैंग्वेज थी, मदर लैंग्वेज इनकी माँ की, तो पर्शियन बोलते थे ना नुसरत भुट्टो, उर्दू सीख गई थी ना जनाब इनकी, ये भी बाहर पढ़े हुए हैं कुछ दुबई में तो कुछ इंग्लैंड में, तो मिल मिला के कर लेते हैं। अच्छा जी, लेट नाइट का प्रोग्राम देख रहे हैं तो दिन भर के अतर जुवेद कह रहे हैं अतर मिनला की ट्रोलिंग हो रही, उसका वो आ चुका फैसला जो 4-1 से हुआ था, उन 4 बाकी 3 बगैरतों की काजी के नहीं, बाकी 3 जो बगैरत थे उनके भी तो आने चाहिए ना, उन्होंने किस वजह से कहा कि लाइव नहीं होनी चाहिए, जब 184-3 का है तो लाइव ही जाना चाहिए था, वो वजह भी तो बताए ना, वो नहीं आता। अच्छा जी, ये आ गई अब उसको ट्रोलिंग बेचारे को, उसने बड़ा बहुत बहुत शदीद किस्म का फट्टे पुट दिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के फट्टे पुट दिए, ये शायद उससे ज़्यादा ख़तरनाक है अगर इसके ऊपर शायद चले, वो जो 6 जजों ने लिखा था उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। भुट्टो का जिक्र हुआ तो जो भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी, मार्शल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कर दिया था, फिर आज हम दुरुस्तगी करते फिर रहे हैं, फिर इस जो आज कर रहे हैं तो उसकी कोई और आके करेगा, बड़ा उसमें बड़ा गड़काया उसने,
और मैं जो कहेंगे तो फिर पढ़ दूंगा वो तो, पता नहीं 40-45 अफवाद हैं, उसका शॉर्टकट ये सुनाया है आपको सुनाया है। अच्छा जी, फैसलवाड़ा, फैसलवाड़ा के अतर मिनला वहाँ पे देख रहा था, है जी, उसको वहाँ पे आते जाते सुन भी रहा, उधर उसको नैब का भी केस लगा हुआ, तो आते जाते खबरें भी ले रहा था, क्या बना उधर, क्या बना, क्या उसने हमारी जो पगड़ी चली थी कुछ किया। ये था नूरा नूरा, इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट चली गई थी कि ये इस्लामाबाद में दरख्वास्त जारी, इससे पहले वो ले तो काजी ले ले, काजी मैनेज के, अच्छा मैनेजर है तो मैनेज कर लेगा, क्योंकि अगर नीचे चली गई तो वो जाएगी उसके पास आमर का, आमर के पास, फिर वो फैसला आ जाएगा, फिर वो दोबारा जब चैलेंज करेंगे डीबी के लिए, उसमें तो वो छः ही बैठे हैं, इन्होंने उसको रोकने के लिए फटाफट इधर से एक एक्शन था दिलवा दिया वो वगैरह वगैरह। अभी अभी तक पर तोल रहे हैं, इसकी टीम वेली नहीं, यूं यूं पर तोल रहे हैं इधर इधर के, तोल रहे हैं, जो कहा था उसने काली बेड़े, और वो काली बेड़े तो नहीं, काला बिड़ निकलाया, पूंड निकलाया, फैसलवाड़ा को नूरा नूरा ही है कुछ नहीं। एक हफ्ते के आज उसका मूड देखना था, मैं सोच रहा था कि आज ये पढ़ उड़ उड़ के पड़ेगा, जिस तरह भालू को देख के कुत्ते नहीं दूर दूर से भौंकते, इस तरह भौंकेगा फरोग नसीम के ऊपर, लेकिन वो तो शेर व शकर था, जिस तरह का पनवैया है, हाँ जी आप जनाब हजूर, पहले आप करके चल रहे थे, उसका डिले करेंगे ना तो प्रेशर रुक रुक जाता, जिस तरह नवाज शरीफ की सीटी बोल पड़ती हवा निकल जाती, ये हवा निकल के एक और हफ्ते अगले हफ्ते तक की तरीक देती। फैसल बड़ा दिले, उन्हें कहा मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, उस रोस्टर पे आ रहा था उसको रोका गया ज़बरदस्ती, काजी ने आने देता ना काजी, फिर अच्छा जी वो करता था कि काजी ने इस वजह से नहीं आने दिया कि बनी बनाई गेम तब्दील ना हो जाए। अच्छा जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मुस्तफ़ा कमाल माड़ा बंदा है ना, तो वो कर देगा चलो ठीक है जी, माड़ी पार्टी थी, माड़ा बंदा था वो, फैसल नसीर के कहने पे आ गए थे। फैसल नसीर आज उसने 36 बंदे भेजे, MQM का वो मेन भी वहाँ पहुँचा हुआ था, और भी ये फरोग नसीम भी आ गया, इसको पैसा का टटू मिलना, इसको मिलेगा वो जो है ना डड्डू, मैंने कहा भाई कुछ और ना, बाबा जी की भूख निकल जाती है, तो आप कहते हैं कुछ और समझते हैं, डड्डू मैंने कहा मिलना है इसको।